स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती पर राजीव भवन में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस जनों के साथ ही शहरवासियों ने भी अपने राजनीतिक पुरोधा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। दुर्ग शहर में पार्षद के रूप में अपनी राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत करते हुए विधायक, सांसद, अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं 18 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तक की गरिमामयी एवं बेदाग सफर तय करने वाले एवं देश भर में दुर्ग की पहचान माने जाने वाले दिग्गज कांग्रेसी स्वर्गीय मोतीलाल वोरा का मंगलवार 20 दिसंबर को कांग्रेस भवन में जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में जन सैलाब का जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस जनों के साथ ही शहरवासियों में भी अपने राजनीतिक पुरोधा के जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने की होड़ लगी रही। इस दौरान उनके सुपुत्र एवं वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने भी वरिष्ठ नेताओं, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस समेत सभी नागरिकों का विनम्रता पूर्वक स्वागत किया, जहां लोगों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन किया। तो वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे ने श्री वोरा को याद करते हुए उनकी कर्मठता को अद्वितीय एवं अतुलनीय बताया। साथ ही उन्होंने विधायक अरुण वोरा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली में बाबूजी की छाप नजर आती है। इस अवसर पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग एवं सिविल लाइन स्पोर्ट्स क्लब दुर्ग द्वारा राजीव भवन में आम जनता के लिए फोटोकॉपी मशीन लगाकर निःशुल्क सेवा देने छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, महापौर धीरज बाकलीवाल, अरविंद वोरा, राजीव वोरा, सभापति राजेश यादव की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, एल्डरमैन रत्ना नामदेव ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीति के पितामह माने जाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।